व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अदर रिएक्शन वीडियो। आज हम देखने वाले हैं इंडियन आर्मी सिग्मा रूल्स, पीएम मोदी सिग्मा रूल्स। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो, मतलब एक तो इंडियन आर्मी के भी होंगे इसमें, प्रधानमंत्री जी के भी होंगे, तो काफ़ी सैवीजियत देखने को मिलने वाली है। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चैनल पर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बिग सैल्यूट टू इंडियन आर्मी। मेरा गला भी बैठ गया है बोलते बोलते। तो लेट्स सी द वीडियो, रेडी, 1 2 3 गो। As the great religious teacher Swami Vivekanand once said, ये कुछ भी कह के चला गया था उस दिन। नानी मोदी गुस्सा। Dear friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. पूरा नाम बदल गया था। है फिर आ गए। तेरे को क्या लगता था? Only for entertainment purpose. नहीं लौटेंगे। इनको दिक्कत होती है। ये बताया भी क्या है, कई वीडियोस में देखा है। हां सांस माउंटेन सब ये याचिंग ग्लेशियर हर जगह माइनस डिग्री कितनी गर्मियों, कितना ही टेम्परेचर ये ट्रेनिंग वाला टाइम होता है शायद। ट्रेनिंग हो रही है क्या? हाँ ये ट्रेनिंग ट्रेनिंग कराते हैं सिचुएशन के। मीडिया के द्वारा, फेसबुक के द्वारा आपके ऊपर एक दबाव बनाया जाता है कि चाइना बहुत खतरनाक है, उसकी आर्मी ज्यादा है, घंटा आगे है। देखिए कैसे चाइना के पास जो एक्टिव आर्मी है वो 21 लाख है। आपको ये संख्या जरूर ज्यादा लगेगा, लेकिन भारत के पास एक्टिव आर्मी 14 लाख है। तो आप कहेंगे 14 लाख, ये 21 लाख। चाइना के पास जो रिजर्व आर्मी रखी गई है वो 5 लाख रखी गई है। तो 21 5 कितना हुआ? 26। और भारत के पास जो रिजर्व में रखा गया है फौजियों को वो 21 लाख है। 14 लाख उधर, 21 लाख इधर, टोटल 35 लाख हो गई। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी भारत की है। ट्रेनिंग पे रिएक्शन बंकर बनवा लो, वो सारा का सारा दिल्ली ही जंगल बना लो कि तुम छुप सको उसके पीछे। भारतीय भगोड़ा, नालायक, नाअहल, निकम्मी, बेवकूफ, डरपोक, कांपती हांपती फौज को छुपने की कोई जगह मिल सके तुम तैयारी कर लो। हम किसी को नहीं आर्मी स्ट्रगलिंग क्राइंग टैंक से टैंक घूम गया। वो दे पानी भर गया। फील है सुनने आ रही है। रोल फुल आ रही है। हाँ पूरे 26 जल्दी रुक गया। एक शूटर है वो हजार मीटर पे कैन ही हिट द हेड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एट 1000 मीटर्स गिवन द लेवल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ अ शूटर्स यस वी कैन ईदर चूज द लेफ्ट आई या द राइट आई यस आराम से
बस ये बता रहे लेफ्ट या राइट की जंग याद आ गई होगी ना, जिसमें तुम्हारे हजारों टैंक्स को तबाह कर दिया था, और आज भी तुम्हारे कई टैंक्स हमारे पाक फौज के म्यूजियम में मौजूद हैं, और उन टैंक्स पर भारतीय झंडे को उल्टा करके लगाया है। और तुम्हारी फौज, तुम लोग सेना है, और तुम्हारा जो असला है वो कितने पानी में, दुनिया जानती है। अपने यहाँ पर सरेंडर करते हो, और सबसे बड़ा सरेंडर था वो, देखा था कितने लाख, कितने 90,000 लोगों को एक साथ सरेंडर कराया था। मतलब किस मुंह से बोल देते हैं इनके रिपोर्टर। और जब ये ऊपर से ड्रोन शॉट लेके दिखाते हैं ना, किसी से भीख नहीं मांगी, थैंक्स, हमने अपनी बाजुओं पर तिरंगा लहराया, किसी से भीख नहीं मांगी, हमने अपनी बाजुओं पर तिरंगा लहराया है, और हमारी खुददारी क्या पूछोगे, मौत सामने थी, हमने फिर भी दुश्मनों को पानी पिलाया। क्या बात है, मौत सामने थी फिर भी दुश्मनों को पानी पिलाया। हाँ। ये चीज थी उसमें दिखाया था ना, बॉर्डर मूवी में भी दिखाया था, और वो 1970 वॉर में भी किया था कि जब वो सारे लड़ाई खत्म हो गई थी। हाँ। तो ये भी कहा था कि लाशें ले जाओ, वो लेके नहीं गए, वो लेके नहीं गए थे। मैं ये तो बोल रहा हूँ कि जो मतलब पाकिस्तान में जो आजकल का जो यूथ है, हमने इतने सारे वीडियो देखे, वो फिर भी थोड़ा मतलब जनरल वो बोलता है, बिल्कुल न्यूट्रल लेके बोलता है। कुछ इंटरव्यूज भी देखे हैं, देखे हैं कि वहां पर जैसे पब्लिक से कि हां पाकिस्तान में ये कमी है, वो बता रहे हैं जो नॉर्मल जनता है। लेकिन मुझे वहाँ के जितने भी स्पेशली जो फीमेल रिपोर्टर मैंने देखी है ना, जितनी देखी है, छोड़ मैं बता रहा हूँ, जो न्यूज़ रिपोर्टिंग मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट रन होती है, मेरे को लगता है। तो गवर्नमेंट बोलती है, मुझे ऐसा लगता है कि 10th के बाद सीधा मतलब उनको कुछ पता है दिक्कत क्या है, क्योंकि हिस्ट्री में कुछ रहा नहीं है। ये बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान में हिस्ट्री पढ़ाते नहीं है, तो हिस्ट्री कुछ है ही नहीं, नहीं पाकिस्तान की हिस्ट्री नहीं, क्योंकि 1947 से पहले जितनी हिस्ट्री थी वो इंडिया के साथ मिलके थी। हाँ, हिस्ट्री वो पढ़ाते नहीं है, तो ये एक एजुकेशन फैक्टर आ जाता है कि या तो मुझे नहीं लगता 10th-12th के बाद ही फिर वो रिपोर्टिंग पे उन्हें शुरू करा दे। नहीं वो वैसा नहीं है जो तू सोची, मैं बता रहा हूँ न्यूज रिपोर्टिंग जो होती है वहाँ पर गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा कंट्रोल रहता है मेरे हिसाब से, तो फिर वो कहते हैं ये, या फिर इन्फॉर्मेशन कई बार गलत दी जाती है क्या। लेकिन नॉर्मल जो नॉर्मल जनता है ना पाकिस्तान की, जैसे स्ट्रीम पे भी आते हैं लोग कमेंट भी, अब वो बहुत समझदार, क्योंकि हमने पब्लिक रिएक्शंस देखे हैं ना। हाँ। लोगों तो बहुत, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल वाला हुआ था तो लोगों ने बहुत खिल्ले उड़ाई थी वहाँ की भी। हाँ। मतलब वहाँ के लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया था कि वो चीजें इस तरीके से आपके पास। हाँ। मतलब आपको ये नहीं पता कि मिसाइल भी आ गई अंदर। हाँ। आके गिर गई, ये चीजें ये लोग कभी फैक्ट चेक नहीं करते, अरे आपके सैनिक को तो हमने यहाँ मारा वहाँ मारा। अगर देखोगे भी ना, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं कि मैं सबसे बड़ा सरेंडर था वो जो हुआ वो था, सबसे बड़ा उसकी फोटो। और रही बात म्यूजियम में, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, तुम्हारे टैंक हमारे म्यूजियम में रखे हैं, ऐसे तो पता नहीं कितने पाकिस्तान के टैंक हमारे म्यूजियम में रखे हुए हैं, जो स्कूल में बच्चों को दिखाए भी जाते हैं। उसमें आपको फैक्ट पता चलेंगे एक एक। तो बाकी मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।